फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फेरस मेटल्स और नॉन फेरस मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे फेरस मेटल्स के बारे में कि फेरस मेटल्स क्या होते हैं। ये आप कुछ स्लाइड्स में कुछ देख रहे हो, ये सारे जो हैं ये सब भी फेरस मेटल्स हैं। अब इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। फेरस मेटल्स वो मेटल्स होते हैं, अगर हम एलॉयज की बात करें, ये वो मेटल्स या फिर हम कह सकते हैं फेरस एलॉयज वो होते हैं जिनमें आयरन, कुछ ना कुछ क्वांटिटी में आयरन रहता है। फेरस एक्चुअली में क्या है, Fe को हम डिनोट करते हैं पीरियोडिक टेबल में, आपने देखा होगा Fe एलिमेंट, उसको फेरस कहा जाता है। जनरली हम इसे आयरन कहते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि अगर किसी चीज़ में आयरन है तो हम वो कह सकते हैं कि वो मेटल है, अगर तो फेरस मेटल है, अगर वो चीज़ एलोय है तो इसका मतलब वो फेरस एलोय है। तो ये फेरस मेटल का मतलब कि उसमें आयरन है तो वो फेरस मेटल है। ओके, अब फेरस मेटल्स में कार्बन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम आती है। जब भी मॉइस्चर वगैरह होगा तो उसमें उसके कारण सॉरी जब भी मॉइस्चर वगैरह होगा तब उसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम होगी फेरस मेटल्स के केसेस में। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन्स हैं, हमेशा कुछ ना कुछ हर चीज़ की एक्सेप्शन्स होती हैं। यहाँ पे जो एक्सेप्शन्स हैं वो ये हैं कि मैं तो कह रहा हूँ कि फेरस मेटल्स में ज़्यादातर कार्बन का कंटेंट होता है जिसके कारण रस्टिंग होती है, बट दो फेरस मेटल्स ऐसे जैसे एक रॉट आयरन है वो उसमें रस्ट नहीं लगता है, वो उसको रेजिस्ट करता है रस्ट को। क्यों? क्योंकि वो प्योर फॉर्म में रहता है एक तरह से। और एक स्टेनलेस स्टील, उसमें भी रस्ट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसमें क्रोमियम होता है जो कि हेल्प करता है कोरोजन को रेजिस्ट करने में। तो ये दो एक्सेप्शन है इसकी, फेरस मेटल्स की, रॉट आयरन और स्टेनलेस स्टील जिसमें रस्ट नहीं लगता। और ज़्यादातर जो फेरस मेटल्स होते हैं वो सभी मैग्नेटिक होते हैं नेचर में, जिसके कारण हम उन्हें ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन या मोटर वगैरह में यूज़ करते हैं। इसका आपको पता होगा क्यों, मैग्नेटिक चीज़ें हमें क्यों चाहिए इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में, तो क्यों इसको यूज़ करते हैं वो आपको पता होगा, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था फेरस मेटल्स के बारे में। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फेरस मेटल्स के, सभी एग्जांपल्स तो नहीं देखेंगे लेकिन कुछ जो आपको डेली आप देखते हो जिनके बारे में सुना होगा उसके बारे में देखते हैं। पहले एग्जाम्पल मान लो स्टील है। स्टील कैसे बनता है, ये जैसे सबको पता है आयरन की ओर से आयरन निकालते हैं हम, और आयरन की वहाँ से उसको मेल्ट किया, फिर मेल्ट करने के बाद जैसे हमने आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में पढ़ा था उसमें बेसिकली आयरन कार्बन डायग्राम में स्टील भी था, तो आपको वहाँ से अगर वो वीडियो देखी तो आपको ज़्यादा समझ आया होगा। फिर भी आपको बता दूँ कि जब आयरन को मेल्ट करते हो तो लिक्विड फॉर्म में होता है, उस टाइम उसमें कार्बन ऐड किया जाता है, अगर कार्बन 2% तक होगा तो हम उसे स्टील कहते हैं। तो इसमें आयरन है कुछ ना कुछ क्वांटिटी में, एक्चुअली हम आयरन में कार्बन ऐड कर रहे हैं लेकिन आयरन तो है, इसलिए ये फेरस मेटल की एग्जाम्पल हो गई। ठीक है, इसे हम स्टील बार्स जैसे बार्स बनाते हैं उसके में यूज़ किया जाता है, या कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वहाँ पर स्टील का यूज़ किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में स्टील का काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो यह था स्टील के बारे में जो कि एग्जांपल थी फेरस मेटल की। अब आगे देखते हैं कार्बन स्टील के बारे में। कार्बन स्टील में कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू बाकी स्टील के कंपेरिजन में, और ये हार्ड भी होता है, और इसको ज़्यादातर हम मशीन टूल्स जो टूल्स वगैरह आते हैं उनके लिए उनको बनाने के लिए यूज़ करते हैं इसको, कार्बन स्टील को। ड्रिल्स को बनाने के लिए ब्लेड्स होते हैं, टैप, स्प्रिंग्स, या आप जैसे देखते हो घर में आप नाइफ यूज़ करते हो, डेली यूज़ की चीज़ है आपको पता है। इसका जो आगे जो मेटल है ये सारा किसका बना हुआ, कार्बन स्टील का बना हुआ, हार्ड भी है और शार्प कटिंग एज, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के कारण हम नाइफ में कार्बन स्टील को यूज़ करते हैं। तो इसमें भी कुछ ना कुछ आयरन होता है, इसलिए ये एग्जाम्पल है फेरस मेटल की। अब कास्ट आयरन, ये भी एक एग्जाम्पल है फेरस मेटल की। कास्ट आयरन एक एलॉय है, एलॉय आपको बता दूं जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का बना हो कोई भी चीज़, जिसे एलॉय कहते हैं। कास्ट आयरन एक एलॉय है जो आयरन, कार्बन और सिलिकन से बना हुआ है। अब इसमें आयरन है तो इसलिए फेरस मेटल है। कास्ट आयरन ब्रिटल होता है नेचर में, हार्ड होता है और वेयर और टेयर को रेजिस्ट करता है ये। इसको हम पानी की पाइप से बनाते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है इसको बनाने के लिए, मशीन टूल्स में भी इसको यूज़ किया जाता है, इंजन से हम बनाते हैं, इंजन में जो कुछ पार्ट्स होते हैं वो कास्ट आयरन से बने होते हैं, स्टोव्स हो गया, ये पैन आप देख सकते हो जो घर में यूज़ करते हो ये भी कास्ट आयरन का बना होता है। इसका एक रीज़न हो रहा है कि क्यों हम कास्ट आयरन को यूज़ करते हैं वो मैं आपको पहले की वीडियोज में बता दिया हुआ है कास्ट आयरन के बारे में। और ये कुछ प्रॉपर्टीज इनकी मैं बात करूँ, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, रेजिस्टेंस वगैरह, इनके बारे में अगर आपको नहीं पता तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और एंड स्क्रीन में भी उस वीडियो को ऐड करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको नहीं पता तो आप उसके बारे में भी एक बार पढ़ लेना। ये तो कुछ फेरस मेटल्स के बारे में कुछ एग्जांपल्स थे कि अब हम आते हैं नॉन फेरस मेटल्स की तरफ। अब नॉन फेरस मेटल्स की कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं, ये जिनके बारे में आप फैमिलियर हो जिनसे। अब हम पढ़ते हैं नॉन फेरस मेटल्स क्या होते हैं। अब नॉन फेरस मेटल एक्चुअली ये भी मेटल ही है, वो भी मेटल था, ये भी मेटल है, लेकिन इसमें क्या कि आयरन नहीं होता।
एक्चुअली हम आपने जब भी पढ़ा होगा, जब भी सुना होगा, अगर आपको पता हो तो आपने सुना होगा फेरस मेटल्स में आयरन होता है जबकि नॉन फेरस मेटल्स में आयरन नहीं होता। बट एक्चुअल में क्या होता है कि नॉन फेरस मेटल्स में आयरन हो सकता है लेकिन वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है जिसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो हम इसलिए कहते हैं कि नॉन फेरस मेटल्स में आयरन नहीं होता। ये डेफिनेशन है, ये विकीपीडिया से ली गई है, तो अब यहाँ पर भी लिखा गया है कि नॉन फेरस मेटल इज ए मेटल इंक्लूडिंग अलॉयज दैट डज नॉट कंटेन आयरन इन अप्रिशिएबल अमाउंट्स। यहाँ से समझ सकते हो कि इन अप्रिशिएबल अमाउंट्स की उतनी क्वांटिटी में नहीं होता इसमें आयरन, इसलिए हम कहते हैं कि नॉन फेरस मेटल्स में आयरन नहीं होता। अब नॉन फेरस मेटल सबसे पहले हमने ये यूज करना स्टार्ट किए थे जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, तब से नॉन फेरस मेटल्स का हम यूज करते आ रहे हैं। जैसे डिस्कवरी कॉपर की जब डिस्कवरी हुई थी, हमने लास्ट जब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल साइंस इंट्रोडक्शन पढ़े थे मटेरियल साइंस का, उसमें भी हमने ये सब देखा था कि जैसे कॉपर डिस्कवर हुआ था 5000 BC के करीब करीब, तो वो स्टोन एज जो एक चल रही थी, जो हम पत्थर जैसे पाषाण युग कहते हैं हिंदी में, जो पत्थर का यूज कर रहे थे हम औजार बनाने के लिए, वो एंड खत्म हो चुका था और कॉपर एज स्टार्ट हो चुकी थी। उसी तरह से कुछ देर बाद हमने ब्रोंज की इन्वेंशन की थी जो कि एक एलॉय है कॉपर का और टिन, मतलब कॉपर और टिन से बना हुआ है। इसके कारण क्या, फिर कॉपर की एज भी धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो गई, ब्रोंज एज स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद फिर कुछ देर बाद 1200 BC के करीब करीब जब आयरन, हमने फेरस मेटल आयरन देखा, आयरन की इन्वेंशन की, एक्चुअली आयरन का हमें पता लगा, तो फिर आयरन जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक क्रांति आ गई थी, रिवोल्यूशन आ गई थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कह सकते हैं वो उस टाइम आ गई थी। तो कॉमन चीज बन गई थी, आयरन की प्रोडक्शन हर जगह हो रही थी, फिर आयरन एज स्टार्ट हो गई थी। ये बेसिकली आयरन एज जो है वो हम फेरस मेटल्स के लिए कह सकते हैं। इससे पहले नॉन फेरस मेटल्स को बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे क्योंकि हमें फेरस का पता नहीं था। तो ये था नॉन फेरस मेटल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। मेन एडवांटेज फेरस मेटल्स की ये है कि नॉन फेरस मेटल्स की बेसिक मेन एडवांटेज ये है क्योंकि मेल्युबिलिटी, जहाँ पे हमें ज़्यादा मेल्युबिलिटी चाहिए होगी वहाँ पे हम फेरस मटेरियल्स यूज़ करते हैं, और इनमें आयरन का कोई कंटेंट नहीं होता जैसे हमने बात किया है। इसके कारण क्या होता है, कोरोजन के चांसेस इसमें कम होते हैं, कोरोजन नहीं लगता, और हम जैसे लिक्विड पाइप से जैसे पानी जहाँ पे सप्लाई करते हैं या इन चीज़ों में कोरोजन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, रूफिंग हो गया जहाँ पे कोरोजन के चांसेस होते हैं, वहाँ पे हम फेरस मेटल्स को यूज़ नहीं करते बल्कि नॉन फेरस मेटल्स को यूज़ करते हैं हम वहाँ पर। और उसके बाद ये नॉन मैग्नेटिक होते हैं, और कहीं हर जगह हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं चाहिए होती, कहीं जगह नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी चाहिए होती हैं। इसे जैसे वायरिंग एप्लीकेशन हो गई, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, वहाँ पर हम नॉन फेरस मेटल्स को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जनरली ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं फेरस मेटल से, लेकिन तब भी हम नॉन फेरस मेटल्स को यूज़ करते हैं क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनके कारण। जैसे कहीं पर हमें लो वेट चाहिए, जैसे एल्युमिनियम में उसका वेट कम होता है, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, नॉन फेरस मेटल्स यूज़ करते हैं। जैसे एल्युमिनियम है एक नॉन फेरस मेटल जिसका वेट कम होता है। अब हम जैसे ऑटोमोबाइल की बात करें, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी जो भी ऑटोमोबाइल है उसका वेट कम से कम हो, तो हम वहाँ पे एल्यूमिनियम का यूज़ प्रेफर करते हैं। वैसे ही एयरक्राफ्ट वगैरह हो गया या रॉकेट्स हो गए, वहाँ पे कुछ पार्ट्स जहाँ पे हमें वेट कम करना होता है वहाँ पे हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। बाकी बात रही कई जगह में हायर कंडक्टिविटी चाहिए होती है, तो नॉन फेरस मेटल्स की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। जैसे कॉपर की एग्जाम्पल ले लो, हम कॉपर को यूज़ करते हैं हाई कंडक्टिविटी के तौर पर। फिर कुछ नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं कोरोजन को रेजिस्ट करने से, जिंक एयर कोरोजन को रेजिस्ट करता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम इनको यूज करते हैं। तो ये था नॉन फेरस मेटल्स का हम यूज कहाँ करते हैं उसके बारे में। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं नॉन फेरस मेटल्स की। जैसे पहले एल्यूमिनियम की बात करते हैं, इसमें आयरन वो तो है नहीं बिल्कुल, आयरन वगैरह तो है नहीं, तो ये नॉन फेरस मेटल हो गया। अब एल्यूमिनियम की बात करें, जैसे अभी बात की थी लाइट वेट, इसका ज़्यादा वेट नहीं होता, सॉफ्ट सॉफ्ट भी होता है और इसकी स्ट्रेंथ भी, बट इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है, तो ये इजीली इसकी हम कास्टिंग, जैसे कास्टिंग का प्रोसेस होता है, फॉर्जिंग का होता है, मशीनिंग वगैरह, वेल्डिंग, इसमें ये हम सारे जो फंक्शन से सारे इजिली परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट के लिए सुटेबल नहीं रहता। अब हालांकि एल्यूमिनियम हमारा लाइट वेट रहता है, तो हम जैसे एयरक्राफ्ट की भी बात करते हैं, फूड कैंस हो गए, उसके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें वहाँ चाहिए होता है कि ज़्यादा वेट नहीं चाहिए होता, तो कम वेट को करने के लिए हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। और जैसे पिस्टन हम बनाते हैं सिलेंडर ऑटोमोबाइल में, पिस्टन के बारे में आपने देखा होगा, रेलवे या ऑटोमोबाइल जैसे बात कर रहा हूँ, या बर्तनों के जो हम घर में यूज़ करते हैं, इन सभी में हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं कॉपर, जिसके बारे में सबको पता होगा, जनरली रेड होता है कलर में, डक्टाइल, ज़्यादा डक्टाइल होता है, मतलब कि इसकी वायरिंग इसको इजीली आप इलॉन्गेट कर सकते हो, मेलिएबल भी होता है, कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रिसिटी और हीट की बात करें, थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है, ये सारी कॉपर की प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसको प्रिंसिपली कहाँ मैक्सिमम कहाँ यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, वायर की फॉर्म में या बाकी कंडक्टर्स की फॉर्म में। जैसे हमने सामने देखते हो, अब ये वायर है किसकी फॉर्म में, कोयला है किसकी है, कॉपर की बनी हुई है, तो जहाँ पर हमें हायर कंडक्टिविटी चाहिए हो, ज़्यादा मेलेबिलिटी डक्टिलिटी वगैरह चाहिए हो, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, कॉपर को यूज़ करते हैं। और इसको जैसे ब्रास एलॉय या फिर जिंक वगैरह
मतलब उसमें भी यूज़ करते हैं, एलॉय बनाने में भी यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिकली आपको जो प्रैक्टिकल इसके एप्लीकेशन का पता, जैसे आप जनरेटर बनाते हो, मोटर बनाते हो, उसमें कॉइलिंग वगैरह की जाती है वो कॉपर की क्यों होती है, हायर कंडक्टिविटी होती है, तो ये था नॉन फेरस मेटल की एग्जाम्पल कॉपर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे लेड है। लेड क्या होता है, सॉफ्ट रहता हैवी है, मेलिएबल मेटल है ये भी, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम रहती है, ये कोरोजन को रेजिस्ट करता है और बहुत सारे एसिड से भी बचाता है, मतलब कोरोजन नहीं होने देता। तो इसको ज़्यादातर हम का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर केबल्स में, बैटरीज में, जो भी आपने सुना भी होगा लेड एसिड बैटरी, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या सोल्डरिंग में आपने सुना भी होगा, सोल्डरिंग में भी यूज़ किया जाता है लेड को, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी एक, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पेंसिल है, पेंसिल की टिप होती है ये चीज़, ये भी लेड की बनी होती है। तो ये था लेड के बारे में, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपने देखी, ये भी एक नॉन फेरस मेटल की एक एग्जाम्पल है। इस तरह से कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने जनरली दो तीन डिस्कस किए आपको बताने के लिए कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकती हैं इनकी। अब छोटा सा डिफरेंस देखते हैं फेरस और नॉन फेरस मेटल्स के बीच में, अभी तक आपको शायद समझ आ गया होगा। एक सिंपल चीज़ ये है कि फेरस मेटल्स में आयरन होता है जबकि नॉन फेरस मेटल्स में आयरन नहीं होता, और बाकी इनका प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है वो हमने देख लिया है कि जैसे अगर हम फेरस मेटल्स की बात करें तो उसमें क्या था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा थी, नॉन फेरस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम थी, ये चीज़ हमने देखी। और फेरस मेटल्स में कोरोजन जल्दी हो जाता है, नॉन फेरस मेटल्स में कोरोजन के चांसेस कम होते हैं, ये प्रॉपर्टीज है जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रही है। प्रॉपर्टीज को मैंने आपको अलग अलग बता दिया है अलग अलग मेटल्स के लिए कि क्या चीज़ प्रॉपर्टीज होगी तो हम कौन सा मेटल यूज़ करेंगे, कैसी प्रॉपर्टीज चाहिए होगी तो हम कौन सा मेटल यूज़ करेंगे, इसके बारे में आपको बता दिया, आपको समझ आ चुका होगा। तो बेसिकली एक तो आयरन की हेल्प से आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो और दूसरा इनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो, बाकी एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग भी इनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो फेरस और नॉन फेरस मेटल्स को। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, अब एक फ्रेंड थे मेरे जिन्होंने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट की थी इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई है, उन्होंने साथ में एलॉयज के ऊपर भी बनाने के लिए वीडियो कही थी, तो एलॉयज की वीडियो भी कुछ दिनों में बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही था, मेरा फेसबुक पेज प्लीज़ लाइक करें, इंजीनियर आशीष के नाम से है फेसबुक पर, इंजीनियर आशीष के नाम से मेरा एक पेज है, उसे लाइक करें, उस पर आपको मैं जो ऐसे वीडियोज़ हैं उनके बारे में भी बताता जाऊंगा, और कई बार कईयों को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है तो ये जो जैसे मैं पीडीएफ वगैरह बना रहा हूँ, प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, ये एज इट इज़ मैं वहाँ पर आपको दे दूंगा, आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बाकी और भी अपडेट्स आपको देता रहूँगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, जय।